से बैठना था दूसरी रकात में, कोई भूल के तीसरी रकात में खड़ा हो गया, हालत क़याम में पहुंच गया, हालत क़याम में मुकम्मल सीधी तरह पहुंच गया, और उसके बाद दोबारा से वो वापस आ जाता है क़याम को छोड़ के वाजिब की तरफ, तो क्या उसकी नमाज जायज होगी या नाजायज होगी? आखिर में सजदा साफ भी कर ले, ऐसी सूरत में क्या है? दूसरी रकात में बैठने की बजाय खड़े हो गए, कायदा उला छोड़ दिया, फिर वापस नीचे आ गए, तो बैठ इस तरह करना गलत है। जब आप सीधे खड़े हो चुके तो अब इसके बाद जो है, चूँकि कायदा उला ये वाजिब है जी, फ़र्ज़ के हवाले से जिन्होंने पूछा है, तो चूँकि वाजिब है, अब वाजिब छूट गया तो इसकी तलाफ़ी जो है वो सजदा साहब के ज़रिए हो सकती है। लिहाजा ये जो बैठे इन्होंने गलत किया, नाजायज़ किया, लेकिन आखिर में सजदा साहब कर लिया, तो इस सूरत में इनकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी।